ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस के न्याय पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी किया है, यह अन्यायी। कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकारी नहीं, यह न्याय पत्र नहीं अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र है। कांग्रेस ने देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, भारत की संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और अतिक्रमण करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना, ये कांग्रेस का एजेंडा है। वीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन रहा, मिनिस्टर करप्शन नाथ प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए। आज कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम की आज जारी किया है, तो अन्यायी कांग्रेस को न्याय पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है और ये न्याय पत्र न्याय नहीं, अन्याय की गारंटी कांग्रेस का पत्र। इसलिए देश के अंदर गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ लगातार अन्याय और आक्रमण करने का काम कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस के न्याय पत्र का मतलब है महिलाओं का अपमान करना, ये कांग्रेस का एजेंडा है। असुरक्षित और अधिकार विहीन महिलाएं, बेरोजगारी पक्की, किसानों के कर्ज का बोझ, मजबूर और बेबस मजदूर, वंचितों के साथ भेदभाव और शोषण, तानाशाही और दिखावे का लोकतंत्र, मध्य प्रदेश में 15 माह के कांग्रेस के कुशासन, जो सीएम प्रसूति सहायता योजना बंद कर गर्भवती महिला को मिलने वाले 16,000 रुपए डकार गए, हमारी बहन बेटियों को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें लड्डू देती थी उनको भी ये खा गए, बेगा भारिया और सहरिया हमारी उन बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो थी आदिवासी उन बहनों के लिए, उनको भी मिस्टर करप्शन नाथ की सरकार, मिस्टर बंटा डार के सारे पर उन्होंने इनको भी बंद करके जो डाका डाला, वो क्या महालक्ष्मी गारंटी जो इस न्याय पत्र में वो कह रहे हैं, तो वो क्या महालक्ष्मी गारंटी और 1,00,000 रुपए की सालाना सहायता देंगे, ये झूठ का पुलिंदा है। सत्ता में रहते हुए जिन्होंने घोटाले और भ्रष्टाचार करके पूरी आबादी का हक लूटा, तो क्या ही आधी आबादी पूरा हक देंगे? राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकारा था कि कांग्रेस सरकार में 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, गरीब के खाते में केवल 15 पैसे पहुंचता है। ये कांग्रेस के न्याय पत्र के बारे में आज मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं। जिस कांग्रेस के नेता आए दिनों महिलाओं का अपमान करते हो, अभी भी बहन कंगना रनौत के खिलाफ क्या बोला, हमारी इस भारत की गौरव हेमा मालिनी जी के खिलाफ क्या बोला, कांग्रेस के नेता महिलाओं को टंचमाल, आइटम जैसे भद्दे शब्दों का, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या कांग्रेस के नेताओं का ये चरित्र रहा है आए दिन महिलाओं के बारे में इस प्रकार के भाषा शैली का उपयोग करना, ऐसे भद्दे विचारों से नारी शक्ति का अपमान करते हो, तो क्या ही शक्ति का सम्मान करेंगे? जो कांग्रेस के नेता महिलाओं को सजावट का सामान कहते हो, आज कांग्रेस ने